पास जुबा तो है लेकिन वो बोल नहीं सकते, दिमाग तो है लेकिन ज्यादा सोच भी नहीं सकते, एक भी कदम बिना बैसाखी के नहीं चल सकते। ऐसे दिव्यांग लड़के लड़की वैवाहिक बंधन में बंधे तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल अंबिकापुर में एक सामाजिक संगठन विवाह समारोह में दो दिव्यांग जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधकर उनके जीवन में खुशी लाने का प्रयास किया गया है। शादी समारोह के पहले आम शादी की तरह ही सगाई, हल्दी, मेहंदी और कई तरह की रस्में भी पूरी की गईं। स्थानीय मंदिर में आयोजित इस विवाह को संपन्न कराने वाली सामाजिक संगठन की प्रमुख रीता अग्रवाल मौजूद रही। आज हमारी संस्था के द्वारा दो दिव्यांग जोड़ों का विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये खास है कि एक पैर हमारा दोनों पैर से बैठ के चलता है और उसके साथ में जो लड़की है वो लो हाइटेड है, प्लस थोड़ा तुतला के बोलती है और थोड़ा माइंड से भी डिस्टर्ब है। तो आपने क्यों सोचा कि इनकी शादी हो? वो खुद चाहते हैं कि हमारी शादी हो और लड़का को सामान्य लड़की नहीं मिल रही थी तो उसके घर वाले ने उसके लिए ये रिश्ता किया, लेकिन लड़का चाहता था, लड़का मेरे से 6 साल से कनेक्ट था, लड़का चाहता था कि वो हमारी संस्था से शादी की करे, इसलिए वो मेरे पास आया कि आप हमारी शादी करवाइए। लड़का समाज कल्याण से लोन लिया हुआ है और वो अपने किराना की दुकान चलाता है तो उनका जीवन यापन सामान्य तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में समाज हमारा सहयोग कर रहा है, जन सहयोग भी कर रहा है, बाकी आप लोग तो कर ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें सही जी। इससे पहले पिछले साल 20 मई को हम दो दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाए थे जिसमें लड़का और लड़की दोनों नेत्र बाधित थे, ब्लाइंड थे। लड़का टोटल ब्लाइंड था और लड़की कुछ प्रतिशत देख पाती थी, जिससे आज वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गाँव में हैं और उनकी जीविका मस्त चल रही है। दिव्यांग जोड़ों की शादी करवाने वाले सामाजिक संगठन के लोग शहर में दिव्यांगों के लिए कलावती पुनर्वास केंद्र का संचालन करते हैं और जब उन्हें पता चला कि दिव्यांग विवाह करना चाहते हैं तो दिव्यांग विनोद का विवाह दिव्यांग सुशीला से, कृष्णा का विवाह दिव्यांग रोशनी से करवाया गया। शादी बहुत ही अच्छे प्रकार से हुआ, काफी माहौल था, अच्छा लगा। अब ऊपर वाले की कृपा है, अब इतना पहुंच गया है तो आगे भी अच्छी शादी हुई जी। शादी हम लोग का रीता मैडम के माध्यम से हुआ, तो फिलहाल शादी का मौसम में तो खुशी होता ही है। हम लोग विकलांग हूँ मैं, तो मैं शादी करना चाह रहा था तो मैं रीटा मैडम से बोला कि मेरे को शादी करना है, तो फिर रीटा मैडम बोली कि ठीक है मैं शादी करवा दूंगी। फिर लड़की से पूछा तो मेरे को पसंद करती है तो हाँ बोली, तो भी शादी करना चाहती थी। फिर हम लोग अपने मन पसंद से शादी रीटा मैडम के द्वारा से किए। मस्त साथ जिंदगी बिताएंगे साथ रहकर। दरअसल सरकार दिव्यांग विवाह योजना भी चलाती है जिसमें सरकारी व्यवस्थाओं में विवाह करवाने के साथ ही दिव्यांग जोड़ों के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है, लेकिन इस योजना की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। अगर होती भी है तो सरकार के नुमाइंदे योजनाओं को कागज में खाना पूर्ति कर देते हैं और फिर कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। अंबिकापुर से न्यूज के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।